की कहूं। मामा हम कहां जा रहे हैं? ज्यादा सवाल मत करो, जाके स्लीपर्स पहनो, हम निकल रहे हैं यहां से। ये क्या हो रहा है? तुम कहां जा रही हो? अम्मी मैं ये घर छोड़कर जा रही हूं। Are you gone mad? क्या हो गया तुमको? तो और क्या करूं अम्मी? जिस घर में बिना किसी कसूर के सजा मिलती हो, वहां मैं घुट घुट कर नहीं रह सकती हूँ। देखो, जज्बात में आके फैसला कोई नहीं करना चाहिए। ये जज्बाती फैसला नहीं है अम्मी, आपकी बेटी की वजह से मेरा शोहर मुझसे बदगुमान हो गया है। अब यहाँ पर किसके लिए रुकूं? दादा मम्मू को समझाए ना, वो ये घर छोड़ के नहीं जाए। तुमसे जितना कहा जा रहा है ना उतना करो। तुम बच्ची को क्यों डांट रही हो? तुम कहीं नहीं जा रही, समझ लिया तुमने? अम्मी मेरी बात माने, बिला वजह एक और इल्जाम मेरे सर पर लग जाएगा। प्लीज मुझे, मैंने कभी आपकी बात रद्द नहीं की, मुझे इस वक्त यहाँ से जाने दें प्लीज। देखो बेटा, तुमने आज तक मेरी बात नहीं टाली है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। लेकिन इस तरह से घर छोड़ के तुम नहीं जा सकती। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि इस घर की दहलीज तुम पार नहीं करोगी, ठीक है? एक माँ होने की हैसियत से मैं तुम्हें समझा सकती हूँ बेटा कि इस तरह से घर नहीं छोड़ के जाते। चलो शाबाश, कपड़े वापस रखो अलमारी में। और जहां तक जुनेद की बात है ना, मैं उसे बहुत आराम से अपने तरीके से समझाऊंगी, इंशाल्लाह वो मान जाएगा। वक्ती तौर पे उसका गुस्सा है। चलो शाबाश, ये सब कुछ बंद करो और यहां से सब कुछ उठाओ। सहम गई है मेरी बच्ची। चलो मैं इसको अपने कमरे में लेके जा रही हूँ। तो भाभी, मैं काफी देर से जुनेद भाई को फोन कर रही हूँ, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। क्यों? अम्मी के बाद अब जुनेद के कान भरने का इरादा है? और वैसे तो वो है भी बहन के गुलाम, फौरन बीवी का बाजू पकड़कर ले आएंगे उसे माफी मंगवाने के लिए। नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। तो फिर कैसी बात है? तुम्हें पता है आज पहली मर्तबा वो बिना नाश्ता किए यहाँ से चले गए, और उन्होंने जो मुझसे बदतमीजी की है ना, वो तुम्हें तुम्हें बता भी नहीं सकती। तुम्हें पता है इन सब की वजह कौन है? तुम्हारे ससुराल वाले और तुम। और मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। I'm really sorry, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। और गलत बात है भाई, आपके साथ मेरी वजह से नाराज नहीं हो सकते। मैं उनसे बात करूंगी, मैं समझाऊंगी उन्हें। अब आपको ऐसे प्रेशराइज कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं तो बुरी बीवी बन गई ना, अब तुम कुछ भी कर लो, मैं बुरी बीवी हूँ क्योंकि मैंने उनकी नाफरमानी की है। इतना सब कुछ करने का क्या फायदा? मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हारे बच्चों के पीछे लगी रहती थी। लेकिन अब मैंने सोच लिया, जो मेरे साथ बुरा करेगा, मैं उसके साथ उससे ज्यादा बुरा करूंगी। भाभी मेरी बात सुना है, I'm sorry। अगर मुझे पता होता ना कि हमारा रिश्ता सिर्फ कसमों का मोहताज है, तो उसी वक्त मैं अपनी बेटी की कसम खा के सब कुछ क्लियर कर देती। और आपको क्या लगता है माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरे भाई और भाभी का दिल साफ हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? अम्मी से बात करूंगा, मैं समझाऊंगा, उन्हें मान जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि आपके कहने से वो मान जाएंगी अपनी गलती, या फिर मेरे घर वालों को सही समझ लेंगी? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ घर की बात घर में खत्म हो जाए। घर की बात घर में नहीं है, घर की बात तब खत्म होती जब घर में रहती। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि हर बात आपको वक्त निकलने के बाद क्यों समझ आती है। तुम जानती हो जज्बाती हूं मैं, गुस्से में मुझे कुछ समझ नहीं आता। गुस्से में इंसान सिर्फ अपना नुकसान करता है, हम और कुछ नहीं। नुकसान तो तब हुआ ना जब तुम मेरे साथ नहीं होगी। तुम्हारी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती। मैं तुमसे वादा करता हूं, चाहे हालात कैसे भी हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब तो मैंने वादा किया है, अब तो स्माइल कर दो। एक शर्त पर। कैसी शर्त? आप भी अम्मी से कहें आपके सर पे हाथ रखें और कसम खाएं, बताएं सच क्या है।
ये भी बना दो। क्या बात है मैडम, इतना चुप चुप क्यों? कुछ नहीं, बस यूं ही। अभी यार ये यूं ही क्या होता है यार? तुम मुझसे अपनी परेशानियां शेयर नहीं करोगी, मुझे नहीं बताओगी अपनी प्रॉब्लम्स, तो कैसे बताओगी? बताओ मुझे क्या बात। तुम्हें कैसे पता मैं परेशान? मैडम मैं सिर्फ आपका ड्राइवर नहीं, ठीक है, आपसे बेपनाह प्यार भी करता हूँ। ये जो दिल है ना, ये आपके लफ्जों का मोहताज नहीं, एक नजर में पहचान लेता हूँ तुम्हारे अंदर की बात। अच्छा चलो बताओ ना सीधी शराफत से, वरना मैं दो तीन डायलॉग और मार दूंगा। हमसे आप ही की वजह से परेशान है। हारिस भाई ने मस्कत जाने के लिए 4 लाख रुपए मांगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया देखो, तुम अपनी बहन को समझाओ, उससे बात करो। वो लड़का तुम्हारी बहन को सिर्फ बेवकूफ बना रहे और कुछ नहीं। अच्छा चलो बिलफर्ज मान लेते हैं कि वो मस्कत चला जाता, फिर क्या हो? तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बहन को अपने साथ लेकर जाए? मगर आप ही ये बात मानने को तैयार ही नहीं है, और हमने भी ये फैसला उन पे छोड़ दिया। भैया दे दो यार, बहुत प्यास लग रही है अब तो। चलो ना अब अपना मूड अच्छा करो, ये लो। ये मेरा पासपोर्ट, ये मेरा सिनाईसी, ये अम्मी का पासपोर्ट और अम्मी का सिनाईसी, और ये दूसरे डॉक्यूमेंट्स। अब तो बस अल्लाह रहम करे वीजा लग जाए जल्दी से। अम्मी का पासपोर्ट मतलब? अरे बहन कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं बूढ़ी औरत जवान बेटे के बगैर कैसे रहूंगी? इकलौता बेटा है मेरा, आपको तो पता है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तो हारिस के साथ ही जाऊंगी, और वैसे भी फरिंगी तो अपने हैं ना यहाँ, जहाँ इतना इंतजार किया हारिस का, थोड़ा और कर लेगी। और हाँ बहन, आना तो इसने हारिस के पास ही है ना इंशाल्लाह। सही बात। वैसे बेटा हारिस, मुझे तुम्हारे बाहर जाने पे कोई इतराज नहीं है, लेकिन इतने सारे अखराजात बिना नौकरी के कैसे उठाऊँ? सिर्फ 25,000 रुपये तो वीज़े की फीस है, कैसे होगा? हे आंटी, अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो कोई ना कोई जरिया पैदा कर देगा। बिल्कुल, आप क्यों इतनी फिक्र करती हैं, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लें। और फिर फबिया भी तो है, अब अपनी बहन के लिए इतना तो करेगी वो, और 2-4 हज़ार रुपये तो मैं भी कर लूँगा। अच्छा 2-4 हज़ार में जिंदगी गुजर जाएगी। आंटी पैसे का क्या है, पैसा तो आज है तो कल नहीं है, फिर परसों है तो फिर नहीं है। अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए, और मैंने तो जिंदगी गुजारने का तरीका भी सोच लिया। अच्छा हाँ, और फरहीन मस्कत में मिलकर खाएंगे और कमाएंगे और ऐश करेंगे, क्यों फरहीन? बहुत अच्छी सोच है, कर सकते हैं, कमा सकते हैं, खा सकते हैं, ऐश कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम दोनों ने ही कमाना है तो तुम लोग यहाँ भी कमा सकते हो पाकिस्तान में। अरे मस्कत ही क्यों? बिल्कुल बिल्कुल ठीक सोच रही हैं आप, लेकिन आंटी मैं दूर की सोचता हूँ। मस्कत, आप मस्कत को नहीं जानती हैं, मस्कत से मेरे दोस्त बहुत उससे भी आगे गए, लंदन, कनाडा, इंग्लैंड, थाईलैंड। देखो तुम अगर अब जिंदगी से सीरियस नहीं होगे ना, तो खुशियां ढूंढते रह जाओगे। अम्मा प्लीज, हारिस आप चाय लेना और बिस्किट भी। आंटी आप भी चाय लें। थैंक यू बेटी। मुझे आंटी
मैं तो बैग वगैरह भी सब पैक कर लिया, तैयारी पूरी है। जैसे ही वीजा आ जाए मैं फिर उड़ जाऊंगा पाकिस्तान से। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं फरहीन से निकाह करके ही जाऊंगा, फिक्र ना करें। सोचते बहुत तो तुम्हें, लेकिन मेरा फैसला कुछ और है। और वो ये है कि फरहीन का निकाह नहीं होगा, फरहीन की रुख्सती होगी। ये तुम्हारे साथ जाएगी मस्तक, ये मेरा फैसला है, आगे तुम सोचो क्या करना। अरे आपने हाथ क्यों रोक, खाए ना बिस्किट, दो इनको चाय, ले ठंडी हो रही है, लो लो बेटा तुम भी दो। यहाँ वहां टहलने से और बीपी हाई होगा आपका। अरे राम आता होगा और मेरे पास कोई जवाब नहीं है उसके सवालों का, क्या करूंगी मैं? तो उनके सवाल का कोई जवाब देने की जरूरत भी नहीं है आपको। मैं आपको कब से समझा रही हूँ, आप समझ ही नहीं रही। इतनी बड़ी बात नहीं है, आप बैठे आराम से, संभाल लीजिएगा, बोल दीजिएगा कुछ भी। पानी पीना है? और जो उसने पूछा कि गए क्यों नहीं आप लोग वापस दुबई, तो क्या कहूंगी? बोल दीजिएगा कि फ्लाइट कैंसिल करवा दी। अगर उसने सनाया वाली बात पूछ ली तो। मम्मी। अरम आजा आजा बेटे आजा। अस्सलाम वालेकुम भाई। तुम्हारी जो फ्लाइट थी तुम गई नहीं? हाँ वो अम्मी की तबीयत खराब थी ना तो मैंने कैंसिल करवा दी। बीपी काफी हाई है, मैंने दवा दी है, अभी ठीक हो जाएंगी। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ बेटे। जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। हाँ बोलो। आप देखिए, आप पूरा ना मनाइए अम्मी, मैं मेरा हरगिज आपको नाराज करने का मतलब नहीं है, बस आप एक बार मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खा लें कि आपने सोमिया भाभी की बेटी को बदुआ नहीं दी, मेरी तसल्ली के लिए प्लीज। मेरा दिल कहता है आपने नहीं दी होगी, मैं जानता हूँ आप मेरी माँ हैं, आप ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन पता नहीं, बस आप एक बार मेरे सर पर हाथ रख के कह दें। अम्मी आप बुरा ना मानिए, बस अम्मी अम्मी क्या हुआ? अम्मी को क्या हुआ? भाई आप एम्बुलेंस को फोन करें, डॉक्टर को लेकर आए। आंखें खोलें जी। अम्मी मैं देखती हूँ, देखती हूँ, आप एम्बुलेंस बुलाएं। अम्मी हादिया क्या हुआ देखो। जी जी अम्मी ये बस अम्मी ठीक है, सही है अम्मी, सब ठीक हो गया। अम्मी 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 भाई जी डॉक्टर। पेशेंट के साथ आप हैं? जी मैं। क्या हुआ मेरी अम्मी को? उन्हें काफी सीरियस अटैक हुआ है, उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई है, अगले 24 घंटे उनके लिए काफी क्रिटिकल है, आप लोग दुआ करें। मिल गया आपको सुकून?
माँ को इस हाल तक पहुंचा कर पड़ गई दिल को ठंडक? मुझे यकीन नहीं आ रहा भाई, आप कैसे भाभी को माँ के मुकाबले रख सकते हैं? उनके कहने पर माँ से सवाल कर सकते हैं? भाभी के कहने पे किया ना तुम सब कुछ? हाँ, कभी सोचा है अगर माँ को कुछ हो गया तो इस गिल्ट के साथ कैसे उन्हें कब्र में उतारेंगे? हदी, अभी तुम गुस्से में हो और गुस्से में इंसान को अपने ऊपर और अपने अल्फाज पर काबू नहीं रहता। अम्मी को इस वक्त हमारी दुआ की जरूरत है, ना कि ये सब। अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ ना भाई, तो मैं आपको और भाभी को कभी माफ नहीं करूंगी। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient Speed Remit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of Speed Remit at your fingertips. Download Speed Remit app now.